हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाऊंगी। इससे पहले अगर मेरा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके पास भेज सकूं। चलो मैं आपको विनायक जी की मतलब गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की शादी होने लगी। सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया तो सब बोलने लगे, गणेश जी को मत ले जाओ, वो तो बहुत सारा खाते हैं। वो तो दूध धुंधायला, सूंड सुंडायला, उखल से पांव, छाजले से कान, और उनका तो मोटा मस्तक है। इसको साथ ले जाने से क्या करोगे, यह रखवाली के लिए छोड़ दो। मतलब सब बारात में जा रहे हैं तो यहाँ वो रखवाली कर लेंगे। और सब बारात में चले गए। नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपका तो सभी देवताओं ने बड़ा अपमान किया है, इसलिए आपको बारात में नहीं लेकर गए, बारात बुरी लगेगी, इस कारण आपको नहीं ले गए। अब तो गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन थोती कर दो। धरती थोती होने से भगवान के रथ के पहिए धरती में धस गए, सब ने पच लिया लेकिन पहिए धरती से नहीं निकले। फिर हाथी को बुलाया गया तो वो आया और उसने पहियों को हाल लगाकर गणेश जी का नाम लिया और पहिए अपने आप निकल गए। सब ने पूछा कि हमने तो इतना दम लगाया लेकिन पहिए नहीं निकले, तुमने ऐसा क्या किया? तो उसने कहा, मैंने पहियों को हाथ लगाते समय गणेश जी को याद किया। और खाती बोला, गणेश जी को याद किए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता है। सब सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को छोड़ ही आए। एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया, पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया, फिर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान का काम सिद्ध किया वैसे सबका काम सिद्ध करना। जय हो विनायक जी महाराज की, जय हो।